हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम चरण पादुका मंदिर गए थे। अभी मैं भाई बद्रीनाथ में रुका हूँ, तो आज जा रहे हैं हम माना विलेज। पहले उसको बोलते थे भारत का आखिरी गांव, अब बोलते हैं भारत का सीमा पे बसा पहला गाँव। तो अब माना विलेज जा रहे हैं भाई। ये देखो आप, मैं अभी यहाँ पे, उधर बद्रीनाथ मंदिर है और यहाँ पे मैंने पहाड़ पे ऊपर अपना टेंट लगाया था भाई। रात में मैं वहीं सोया था और अब इधर से जा रहा हूँ माना। यहाँ आर्मी का कैंप है, वहीं से एक पुल कटता है भाई जो मेन रोड पे निकल जाएगा और माना निकल जाएंगे। अगर किसी को गाड़ी से जाना हो तो इधर बस स्टैंड है, आप इधर से गाड़ी पकड़ के तब माना जा सकते हो भाई। मेरा टेंट यहाँ था तो मैं सीधा ही निकल रहा हूँ, 4 किलोमीटर का पूरा ट्रैक करते हुए पहुँच जाऊँगा भाई माना विलेज। अभी हम पहुँच चुके हैं भाई भारत का सीमा पे बसा पहला गाँव माना विलेज। पहले ये भाई आखिरी गाँव हुआ करता था, अब ये पहला गाँव है। ये देखो भाई, ये रहा हमारा भारत का पहला विलेज और वो जो दिखाई दे रहा ना वहाँ पे गांव लेंगे। और ये माता जो है कह रहे पानी नहीं पिलाएंगे, बताओ ऐसा कोई। भाई सुन ध्यान से, ये पानी ना गर्म पानी भर के लेके आया हूँ मैं इसमें भाई। अरे तो और ये बैग लेके चल रहा हूँ, इसमें ना 4 किलो वजन है। ये पानी नहीं भर के लेके आया, 10 कदम दूर नहीं जाएगा यार। अरे इतनी बकवास कर रहा है, पानी नहीं पिला रहा भाई। अमृत छोरो है, पानी ही तो है। अरे यहाँ पे अमृत है भाई, गर्म पानी लेके आया यार, ठंडी में गर्म वहाँ से भर के लेके आया यार, 2 कदम नहीं चलेगा ये। और फिर भी पिला दिया मैंने, तो फिर भी दे दिया यार। अब क्या करें, मजबूरी है, इनको मना नहीं कर सकते। अरे भाई जबरदस्ती पी लेंगे यार, तेरे से छिना के पी लेंगे, छीन के क्या करें हम, मजबूरी होती है यार। अब 2 कदम नहीं रहेगा पानी लेने के लिए, इतना दोस्ती का मतलब क्या होता है। दोस्त का यही मतलब होता है, जो चीन मिले छीन के खा लो। बढ़ता रहेगा लेकिन पानी लेने नहीं जाएगा यार। मैं देखो भाई, ये वजन लेके चल रहा हूँ, ये वजन पूरा लाद के जब चल रहा हूँ, लाद यार पानी यार, अपना दान दिल बना यार अपना। कोई नहीं, पीले यार पीले, जितना मन करे उतना पीले, वो तो अपनी बकवास है यार, मना करते रहेंगे वो तो। ठीक है भाइयों, अभी चलते हैं माना विलेज। माना विलेज में काफी चीजें हैं, वेद व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, सरस्वती मंदिर है, भीम पुल है और सरस्वती नदी है। आपको सब चीजें आज दिखाएंगे भाई इस वीडियो में। भाइयों अभी लास्ट विलेज में खड़े हैं, भारत का आखिरी गाँव। पिछले साल तक था, अब वो पहला है। अभी अंकल को मिलाता हूँ आपको भाई। ये जो अंकल है 49 ईयर के हैं और लेकिन बात करने से आपको लगेगा कि ये 19 ईयर के हैं, 18 या 19 के हैं भाई, ऐसा लगेगा। इतना जोश पहला ही आदमी देखा मैंने जो साइकिल से भारत यात्रा कर रहा है। ये देखो भाई, ये रहे अंकल, जोश देखो यार अंकल का। तो भैया जी, मेरा नाम है बुढ़ा अंकल, बुढ़ा अंकल नाम से। 4 धाम, 7 पुरी, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ ओरिजिनल, जो कि आज तक आपको पता नहीं होगी, उसके जानकारी के लिए मेरे चैनल पे आइए और मैं आपको सारी जानकारी ओरिजिनल दूंगा कि भैया कहाँ मंदिर है। हमारी ब्रिटिश और मुगल ने मिलके 1000 साल में जो हमें मिटाया है, जो हमारे बाल उड़ा दिए हैं, उस बाल को उड़ाने के लिए मैं आपको दवाई बताऊंगा, यानी कि आपको बताऊंगा पूरे चैनल पे, वो पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री, क्योंकि मैं आपके शहर में भी आने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और भैया के चैनल को सपोर्ट करो। भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बस थोड़ा सा ये है कि जो गंदगी फैला रहे हैं ना आप लोग, ये गंदगी, आप आते हैं घूमो फिरो भैया, कैरी करो अपने पास, और कैरी करने के बाद जब भी, यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, यहाँ के लोकल लोग चलो मदद नहीं करते हैं, लेकिन यह है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आप जो है कैरी करके उस जो वेस्ट मटेरियल है उसको उसमें ड्रॉप कीजिए डस्टबिन में, बस इतना सा है। बाकी बने रहिए आप भैया के साथ और सपोर्ट कीजिए। तो ये अंकल का चैनल है भाई, बुढ़ा अंकल के नाम से है। और अंकल बोल दो एक बार सबको कि सपोर्ट करेंगे भैया। बुढ़ा अंकल को तो सपोर्ट करना ही करना है, लेकिन भैया को सपोर्ट करो। ये कल से मिले हुए हैं और मतलब जितनी अच्छी जानकारी, जिस तरीके से बनाते हैं, जिस तरीके से जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, वाकई में मैं कह नहीं सकता कि हर किसी के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है। तो भैया को सपोर्ट करो, बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनके विचार बहुत अच्छे हैं। जो विचार मैंने 1-2 घंटे में बैठ के जाने इनके साथ चाय पी के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ धन्यवाद आपका, प्लीज़ सपोर्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतम। ये देख लो भाई, भारतीय स्टेट बैंक अपना गांव माना गांव। यहाँ पे भी भारतीय स्टेट बैंक है, भारत के आखिरी गांव, जहाँ पे लोग केवल 6 महीने ही रुकते हैं, 6 महीने बाद अपने घर चले जाएंगे, मतलब यहाँ से नीचे चले जाते हैं गोविंद घाट के आसपास, वहाँ पे रहते लोग, यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन तभी भी इस गांव में बैंक है भाई, ये देख लो स्टेट बैंक का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, अगर बैंक मिला तो आपको बैंक भी दिखाऊंगा। ये देखो भाई माना गांव में कितने लोग हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेला लगा हो।
एक मेले की तरह लग रहा है भाई। यहाँ पे जो भी बद्रीनाथ दर्शन करने आते हैं ना, तो यहाँ भी पहुँच जाते हैं भाई। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे कि हम भी मेले में पहुँच गए हों। हर कोई पहुँच रहा है भाई, जितने भी बद्रीनाथ आ रहे हैं। ये देखो यार कितनी भीड़ है भाई। अब भाई माना गाँव में जो सबसे ज़्यादा मार्केट है ना, वो उन्हीं कपड़ों की है। ये देखो भाई, ये उनके बने हुए कपड़े हैं, ये भी उनके बने हुए हैं। ये देखो अलग अलग डिजाइन के, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये उनके कपड़े मिलेंगे आपको, उनसे बनी हुई टोपियाँ। ये देखो कितनी सारी कैप रखी हुई है उनकी बनी हुई, सबसे ज्यादा उनका बना हुआ सामान यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा भाई आपको। अगर इस गांव में किसी चीज का बिजनेस है, वो सबसे ज्यादा ऊन का है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊन के बने हुए कपड़े मिलेंगे आपको। अभी भाई जैसे मैं आ रहा था ना, तो यहाँ पे आपको आते टाइम ना ये पोस्टर मिलेगा। यहाँ पे मुझे दो अम्मा मिली भाई, और काफी हसमुख है, काफी देर बातें करके अच्छा लगा यार। कैसे हो माजी आप? कैसे हो? अच्छे हो? और ये जो कपड़े बनाते हो आप, जो आपकी सामने शॉप है, ये आप अपने हाथ से बनाते हो इसको? और यहाँ पे रहते कितने दिन हो आप? 6 महीने यहाँ रहोगे, उसके बाद घर जाओगे गोपेश्वर, वहाँ पे इनको बनाते रहोगे हाथ से। ये देखो भाई अम्मा ना हाथ से बनाते हैं ये सब कपड़े जो रखे हुए हैं। और अम्मा जी की एक शिकायत है कि इनसे लोग कम ही सामान खरीदते हैं, बाकी जगहों से ज्यादा खरीदते हैं। तो आप चाहोगे कि जो भी आए आपसे ही खरीदे? हाँ, जितने भी आओ भाई अम्मा से ही खरीदो। ये देखो यार, यहाँ पे आपको ऐसा पोस्टर मिल जाएगा, अतिथि देवो भव है मोस्ट वेलकम, ऐसा बोर्ड मिलेगा भाई आपको। यहाँ पे जय श्री राम भी लिखा है। और अम्मा की यार बड़ी शिकायत थी मेरे से यार कि कपड़े नहीं खरीदते। मैं भी कुछ अम्मा से जाते टाइम खरीद के लेके जाऊंगा, पक्का कोई ना कोई खरीद के लेके जाऊंगा, और जो लोग आए वो भी खरीद के लेके जाए। आप एक बार बोल दो कि जो भी आओ, जो भी आओ हमसे खरीद के जाओ। हाँ ये बात, खाली में जाना। और आप लोग आओगे ना भाई, तो अम्मा काफी हंसमुख है यार, आपका बहुत हंसाएंगे भाई। ये देखो आप भी गए, वो कुछ लेके जाएंगे सामान भाई, लेके जाएंगे वो पक्का। आप पक्का खरीद के लेके जाओगे ना भाई? अभी अम्मा की शिकायत नहीं रहेगी भाई, अभी देखते देखते कस्टमर आ भी गए हैं। ये देखो भाई, दादी अम्मा से खरीदा है इन्होंने। ये एक क्या क्या है अम्मा, ये क्या बोलते हैं? कंसु बोलते हैं इसको। एक बार दिखाओ ना इसको, दिखाओ तो सामने से कैसा बना आपने, मेहनत करके बनाया है। ये देखो यार कारीगरी बना रखी है भाई अम्मा ने, कितनी अच्छी भाई। और ये देखो भाई, एक और ले लिया भाई। आप भी यार जरूर लेके जाना भाई, जो भी आओ यार, बहुत मेहनत कर रही है दादी अम्मा। देखो यार ये देखो भाई, जो पहले कल तक भारत की आखिरी चाय की दुकान थी ना, अब वो भारत की प्रथम चाय की दुकान हो गई है, मणिभद्रपुरी माना। ये पहले नाम था इसका मणिभद्रपुरी, अब इसका नाम है माना। और ये देखो भाई, यहाँ पे जितने लोग आते हैं सब एक बार तो जरूर फोटो खिंचवाते हैं भारत की प्रथम चाय की दुकान की, या प्रथम आखिरी चाय की दुकान। और ऊपर जो रोड है वो पूरा बीआरओ का है भाई, यहीं तक आम लोगों का है। इधर वेदव्यास गुफा है, चलो अंदर चल के आपको गुफा भी दिखा देते हैं। ये है भाई वेदव्यास गुफा, और ये है व्यास पोथी। वेदव्यास जी ने जो महाभारत लिखी थी ना और ग्रंथ की रचना की थी, तो उसको पत्थर का बना दिया था। वेदव्यास जी का कहना था कि कलयुग में लोग इसका जो इसमें लिखा हुआ है उसको फेर बदल कर देंगे, अपने अनुसार उसको ढाल देंगे। तो वेदव्यास जी ने उसको पत्थर का बना दिया था। ये देखो आपको जो इसमें दरारें दिख रही ना, ये एक किताब के पन्ने हैं भाई, जो वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी ये उसके पन्ने हैं। और ये 5000 साल पुरानी है, 5300 साल पुरानी है। इसके बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा भी है भाई, थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हो यार। भाई आज काफी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं। अभी एक फैमिली मिली भाई, राजस्थान से आई है। हेलो, ये देखो यार कितनी खुशमुख फैमिली है भाई, ऐसे लोगों से मिल सके ना वाकई में अच्छा लगता है। अच्छा सभी लोग बताओ भाई कहाँ से आए आप? राजस्थान जयपुर। पूरी एक फैमिली आप, सब एक ही परिवार से हो? 42 आदमी 42 आदमी टोटल। ये यार ये देखो भाई, मतलब राजस्थान का कल्चर कैसा है थोड़ा बहुत बताओ। घर की जैसे घर लगता है और लगता। एक नंबर की बात कही भाई, मतलब अटपटा सवाल पूछेंगे तो अटपटा ही जवाब, बिल्कुल सही कहा यार। अच्छा ये बताओ माना में आके आपको कैसा लग रहा है? हम चाहते हैं हमको 100 गज का टुकड़ा मिल जाए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारे को जिंदगी चाहिए। बहुत हैप्पी है। एक और बात दिखाता हूँ भाई, भाई की शादी हो चुकी है और इन भाई की शादी नहीं हुई है, डिफरेंस देखो यार दोनों का। जी लो अपनी जिंदगी जब तक जीनी है, घूम लो। प्रपोजल आ चुकी।
ठीक है भाइयों, सब लोग आप कहाँ से? मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा के पानीपत शहर से। बॉक्सिंग कर ले एक दो में। बॉक्सिंग रेसलिंग कर सकते हैं भाई, मैं रेसलिंग कर चुका हूँ पहले। हरियाणा में रेसलर आपको सब मिलेंगे भाई। ठीक है, एक महादेव का जयकारा लगाएंगे। ठीक है, हर हर महादेव। ये है भाई गणेश गुफा। यहाँ पे गणेश जी ने और वेद व्यास जी ने मिलकर पुराण और महाभारत की रचना की थी भाई। यहाँ पे गणेश जी ने लिखा था और वेद व्यास जी ने बोलते रहे थे, गणेश जी लिखते रहे थे, यहाँ पे महाभारत की रचना की थी। ये है गणेश गुफा और इससे आगे चल के मिलेगी हमें वेद व्यास गुफा और व्यास पोथी। यहीं पे भाई महाभारत की रचना की थी और 18वें पुराण की रचना की थी। 18वें पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। तो चलो यार अंदर चल के दर्शन कर लेते हैं भाई गुफा के। ये देख लो भाई, ये गुफा है गणेश गुफा और ऊपर ये पहाड़ है। इस पहाड़ को काट के बना रखी है भाई ये गणेश गुफा। अभी हम पहुंच चुके हैं भाई भीम पुल पे, जहाँ मैं खड़ा हूँ ना ये भीम पुल है। नीचे जाके आपको दिखा दूंगा भीम पुल कैसा है। और ये सामने भाई सरस्वती मंदिर, ये काफी अच्छा बन रहा है। पिछले साल भी ये बन रहा था और अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ। ये सरस्वती मंदिर आप देख लो, इसमें पूरा संगमरमर का पत्थर लगाया जा रहा है और जो मूर्ति है ना वो बाहर रखी हुई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है भाई सरस्वती माँ की मूर्ति। सरस्वती माँ विद्या की देवी है भाई। जो कोई भी विद्या ग्रहण करता है, पढ़ाई करता है, किसी भी चीज़ की शिक्षा लेता है ना, तो सबसे पहले सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। हर कोई चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा ले रहा हो तो सबसे पहले सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, उसके बाद अपनी शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। पुरानी गुरुकुलों में भी यही मान्यता थी। अब मंदिर तो किसी कारण से बंद है भाई, वो तो नहीं ओपन हो रहा, इसलिए दर्शन मूर्ति के दर्शन यहाँ हो रहे, सरस्वती माँ के दर्शन सबके सामने। अच्छा ये मानसरोवर पंडित जी, ये वाला मानसरोवर है, नीचे वाला सरस्वती नदी निकल रही है। ओके ओके, ये है भाई मानसरोवर और नीचे है सरस्वती नदी। ये देखो भाई आपको दिख रहा होगा, वो है सरस्वती नदी। ये है भाई सरस्वती नदी। अभी आपको इसका बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा, देखो काफी ऊंचाई से गिर रही है। जब इतनी ऊंचाई से गिर रही है, ऊपर पहाड़ों से वहां से गिरते हुए यहाँ तक आ रही है, तो इससे काफी शोर आता है भाई। कहते हैं कि जब वेद व्यास जी ग्रंथों की रचना कर रहे थे या महाभारत लिख रहे थे तो सरस्वती नदी का बहुत शोर आ रहा था। उन्होंने सरस्वती नदी से रिक्वेस्ट की कि आप अपनी आवाज थोड़ी कम करो, लेकिन सरस्वती नदी की आवाज कम नहीं हुई तो वेद व्यास जी ने इनको श्राप दे दिया था सरस्वती नदी को कि आप केवल यहीं तक दिखाई दोगी, इसके बाद आपका जल दिखाई नहीं देगा। तो सरस्वती नदी जो होती है केवल भाई माना तक ही दिखाई देती है। माना के बाद इसमें अलकनंदा नदी आके मिलती है, उसके बाद फिर माना गांव के बाद उसको अलकनंदा नदी बोलते हैं, यहाँ तक ही केवल इसको सरस्वती नदी बोलते हैं भाई। ये है भाई भीम पुल। जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे ना तब यहाँ पे कोई पुल नहीं था। ये सरस्वती नदी है जो नीचे से बह रही है, ये सरस्वती नदी को पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। तो भीम ने एक बड़ा सा पत्थर उठा करके यहाँ पे उसको रख दिया था, जिससे पांडव इसको क्रॉस करके आगे स्वर्गारोहिणी की तरफ गए थे भाई। ये अब जो पुल है ना उसको उसके बाद भीम पुल के नाम से जाना जाता है। ये माना गाँव क्रॉस करते हैं, जैसे यहाँ माना गाँव है तो यहाँ से क्रॉस करते हुए जब स्वर्गारोहिणी जाएंगे ना तब ये बीच में पुल आता है। ये देखो पूरा पत्थर है, पूरा बड़ा पत्थर है, इसी को भीम पुल बोलते हैं भाई। और क्योंकि ये पत्थर है भी अलग, ये देखो यहाँ से ये पत्थर अलग है और यहाँ से भी अलग था। अब इसको आगे भी थोड़ा रेनोवेट कर दिया, थोड़ा ये भी अच्छा सा बना दिया, पर अब देखो भाई कितना ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्थर को किसी ने उठा के रखा हो। हमारे जो ग्रंथ है ना, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है वो कुछ भी गलत नहीं है भाई, बस हमें समझने में थोड़ी उसको प्रॉब्लम होती है, पर वो पूरा सत्य है। आप लोग देख लो ये पत्थर पूरा ऐसा है जैसे बाद में किसी ने उठा के रखा हो, और ये पत्थर आज भी वैसा का वैसा है भाई। अभी पहुंच चुके हैं भाई स्वर्गारोहिणी मार्ग पे, आप लोग देख सकते हैं भाई ये है स्वर्गारोहिणी मार्ग, जहाँ से पांडव यहीं से होते हुए पांडव स्वर्ग गए थे। और सरस्वती नदी पे पुल ना होने की वजह से भीम ने इस शिला को रखा था, जिसको अभी भीम पुल के नाम से जानते हैं। ये है भाई स्वर्ग जाने का द्वार, कहते हैं यहाँ से वसुधरा वाटरफॉल आएगा, जो जिस झरने का पानी पापियों पे नहीं गिरता।
और उससे आगे संतोपथ आएगा, फिर स्वर्गारोहिणी आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हर चीज़ देखने के लिए मिलेगी। मैं वसुधरा वाटरफॉल भी दिखाऊंगा आपको, अगर स्वर्गारोहिणी जाने के लिए रास्ता हुआ तो वहाँ से स्वर्गारोहिणी भी जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।